जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आज फिर आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में सीखने के क्रम को आगे बढ़ाता हुआ इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमने कल पढ़ा था ग्रहों का उच्च नीच। उच्च ग्रह कहाँ होते हैं, नीच ग्रह वो कैसे होते हैं, उच्च ग्रह शुभ फल देते हैं, नीच ग्रह सदैव बुरा फल देते हैं। आपने ये बड़ी अच्छी तरह कल समझा, उम्मीद है नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कुंडली के त्रिकोण के बारे में सुना होगा, केंद्र के बारे में सुना होगा, त्रिक के बारे में, उपाच्य के बारे में। हम कहते तो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन एक आम इंसान को समझ में नहीं आता, उसको बिठा के एक बार समझाने की ज़रूरत है कि ये त्रिकोण होता क्या है, कुंडली का कैसे काम करता है, क्यों ये सदैव अच्छा माना जाता है, केंद्र क्यों सदा अच्छा या बुरा हो सकता है। ये बात सारी ज़रा समझने की है दोस्तों। सबसे बड़ी एक मैं गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल दूं, सबसे पहले वो नोट कर लीजिएगा। अक्सर आपने कई ज्योतिष विद्या शिक्षा देने वालों के प्रोग्राम देखे होंगे, ज्योतिषियों के प्रोग्राम देखे होंगे, विद्वानों के प्रोग्राम देखे होंगे। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझे बार बार खलती है, जो मुझे बार बार नजर आती है और मुझे उसको पॉइंट आउट करने का दिल करता है। सदैव एक बात कह दी जाती है जी, त्रिकोण सदा अच्छा होता है, त्रिकोण को मजबूत करो, त्रिकोण को धारण करो, त्रिकोण का दान कभी नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोई भी चीज सदैव अच्छी नहीं हो सकती, चाहे वो बंदूक ही क्यों नहीं है, चाहे वो चाकू ही क्यों नहीं है जो किसी की सर्जरी करता है। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं बात करूंगा, आप इस कुंडली पे आ जाइए, मैं यहां से आपको इस बात के बारे में बताता हूं। 1, 4, 7, 10 जहां लिखा है इसी तरह आप कुंडली ड्रॉ कर लीजिए। 1, 4, 7, 10 जिन घरों में लिखा है इसको केंद्र कहा जाता है। केंद्र अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यह भी आप आगे चल के लगन कुंडलियों के अकॉर्डिंगली समझेंगे। 1, 4, 7, 10 इसको सेंटर और कुंडली का केंद्र कहा जाता है। उसी तरह से 1, 5, 9 ये कुंडली का त्रिकोण कहा जाता है, पहला घर, पांचवां घर और नौवां घर। अक्सर कुंडली के त्रिकोण को हर ज्योतिषविद कहता है कि इसे धारण करो, लेकिन मेरे भाई ये प्लेसमेंट देख लो कि उसकी प्लेसमेंट कहां है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसको डिटेल समझाने के लिए। पांचवीं राशि का मालिक सूर्य होता है। सूर्य अगर यहां आकर बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है, वहां अगर किसी ने इस शख्स को रूबी पहना दिया तो बंटाधार हो जाएगा, औलाद से कभी नहीं बनने वाली, दाम्पत्य सुख में कला कले शुरू हो जाएगा क्योंकि वो यहां नीच का हो गया। इसको और डिटेल में समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए एक साधु है जो सदैव अच्छा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा है, हमारे कुल के लिए अच्छा है, बहुत बड़ा साधु है, विद्वान है, लेकिन अगर साधु ठेके पे जाके बैठ जाए तो क्या आप उसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेना जरूरी समझोगे? नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि वो एक नीच जगह चला गया। उसी तरह से अगर सूरज इस लगन कुंडली में ही या नॉर्मली इस घर का मालिक होकर इस घर में बैठ जाए तो वो नीच हो गया, वहां उसको माणिक नहीं पहनाया जाएगा, पंडित सबसे पहले उसे कार्तिक की पूजा बताएगा। कार्तिक की पूजा का मतलब उस ग्रह के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करें ताकि वो नीचता शांत कर पाए। उसी तरह बृहस्पति जो कि नवमेश है, जो कि त्रिकोण का स्वामी है, अगर दसवें घर में आके बैठ जाए तो वहां अगर किसी ने कह दिया, किसी अनपढ़ अनाड़ी पोंगे पंडित ने कह दिया त्रिकोण मजबूत कर लो, त्रिकोण नहीं मजबूत होगा बंदा मजबूत हो जाएगा, परमात्मा के घर पहुंच जाएगा बंदा। क्यों? क्योंकि वो नीचता में आ गया।
कर्म को नीच में ले जाएगा, वो कुछ भी बिगाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कर्म में वो नीच का हो गया। वहां हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा कि हे बृहस्पति देव, यहां नीचता मत दिखाइए, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इसी तरह बात मंगल देवता की करूं, अगर मंगल देवता इस घर में नीच हो गए तो कभी भी जिंदगी में मूंगा मत पहन लेना। खुद की प्रॉब्लम्स, मदर की प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, कामकाज में प्रॉब्लम और लाभ में प्रॉब्लम। तो त्रिकोण सदा अच्छा हो यह जरूरी नहीं होता, ध्यान देने योग बात है। राजेश जी आप एक नई बात कर रहे हैं, हम तो आज तक सबसे यही सुनते आ रहे हैं, त्रिकोण पेंडेंट बना लो, हर एक के गले में डाल दो, पेंडेंट बना लो, हर एक के गले में डाल दो। इससे विद्या नहीं चलती, विद्या कुंडली की सटीकता से चलती है। कि मुझे बताओ कि अगर सूर्य इस घर का मालिक यहां बैठा होगा, आप कार्तिक का पूजन करवाओगे कि रूबी पहनाओगे? अवश्य ही सही विद्वान आपको कार्तिक का पूजन ही बताएगा, कभी भी वो सूर्य का नग नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको सूर्य को जल देके शांत रखना है, कार्तिक का पूजन करवा के उसे शांत रखना है। ये ध्यान देने योग्य बात है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि ग्रहों की प्लेसमेंट डिसाइड करती है, ग्रहों को किस जगह में कुंडली में जगह मिली है ये डिसाइड करता है कि वो ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा है। त्रिकोण सदा अच्छा, त्रिक सदा बुरा, त्रिकोण सदा अच्छा, त्रिक सदा बुरा, आप कितने ज्योतिषी ये चीज कहते मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे भाई ये दोनों एक ही हो जाएं तो इसको अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे? बृहस्पति देवता त्रिकोण का भी मालिक है और त्रिक का भी मालिक है, मंगल देव त्रिकोण का भी मालिक है और त्रिक का भी मालिक है। तो हमें उसकी प्लेसमेंट बताएगी ये कुंडली में कितना अच्छा रहा या कितना बुरा रहा और इसके रिजल्ट कैसे मिलने वाले। छठवां घर रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन। आठवां घर मृत्यु ऑब्स्टेकल्स टेंशन डिप्रेशन ससुराल पक्ष। बारहवां घर खर्च विदेश यात्रा अस्पताल का खर्चा। ये चारों तीनों चीजें बुरी मानी जाती हैं। छः आठ और बारह जहां लिखा है उसको त्रिक स्थान कहा जाता है। त्रिक स्थान को सदैव कुंडली में बुरा माना गया है, क्योंकि कोई भी शख्स कभी भी इन त्रिक स्थानों को बढ़ाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि रोग बढ़े, कर्जा बढ़े, दुर्घटना मुकदमा टेंशन या हाउस ऑफ कंपटीशन बढ़े। कोई नहीं चाहता मेरी ऑब्स्टेकल्स बढ़े, टेंशन बढ़े, डिप्रेशन बढ़े। कोई नहीं चाहता कि मेरे खर्च बढ़े। कोई नहीं चाहता कि मैं जेल यात्रा करूं। कोई नहीं चाहता कि मैं अस्पताल पे खर्चा करूं। तो ये त्रिक स्थान है जो बुरे माने जाते हैं। एक चार सात दस केंद्र माना जाता है, एक पांच और नौ त्रिकोण माने जाते हैं, जो के कुंडली देखकर डिसाइड होंगे कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। पेंडेंट पहना दिया पंडित जी ने, पेंडेंट आपने पहला, ऊपर से शर्ट लगा ली। स्टोन का साइंटिफिक रीजन ये होता है कि बॉडी में उसकी किरणों को सबमिट करना। हम धूप में बैठते हैं, डॉक्टर कहता है विटामिन डी मिलेगा धूप में बैठो, कारण कि हमारी शरीर की ऊर्जा धूप से चलती है। उसी तरह स्टोन पहनने का तात्पर्य यह होता है, उसका अर्थ यह होता है जिस ग्रह की किरणों की बॉडी में कमी है उसे बढ़ाया जाए और प्रॉपर ढंग से बढ़ाया जाए। जिसकी जो उंगली निर्धारण है उसे वहीं पहना जाए। सृष्टि ने खाने के लिए मुंह दिया है, नाक को अगर सांस लोगे तो मुंह के गले के साथ जुड़ा हुआ है, कान भी गले के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कान से खाना खाना शुरू कर दें या नाक से खाना खाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि के नियम विरुद्ध है। उसी तरह ये नहीं कि पुखराज एक पर्टिकुलर उंगली में पहनना है, यहां पहन लो, यहां पहन लो, यहां पहन लो, नहीं। जो सृष्टि ने नियम बनाया है हमें उसी को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। इसके आगे बात करता हूं तीसरा छठा और ग्यारहवां। तीसरा घर जो भ्राता का माना जाता है, छठा घर जो रोग का जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्यारहवां घर लाभ का और बड़े भाई बहन का, इसको बोलते हैं उपाच्य स्थान। तीसरा छठा और ग्यारहवां ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। इस पे आगे थ्योरीज की रिसर्च करेंगे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। जो लघु पराश्री ने हमें उपाच्य थ्योरी दी हुई है उसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। त्रिक स्थान
की भी प्लेसमेंट ही डिसाइड करेगी कि वो कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा है। ये विपरीत राजयोगों से कहीं तो जुड़ा हुआ नहीं है तो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये बात आप हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा ये तीन फार्मूले हैं, तीन लाइन हैं, जिनमें पूरी एस्ट्रोलॉजी सिमट जाती है। बड़े ध्यान देने योग्य बात है। पहली बात, अच्छे ग्रह का मालिक अगर अच्छी जगह होगा तो वो अच्छा फल देगा। अच्छे ग्रह का मालिक अगर बुरी जगह होगा, नीच होगा, अस्त होगा, तो वो कभी अच्छा फल नहीं देगा। बुरे ग्रह का मालिक सदैव बुरा फल देगा जब तक के उस पर कोई थ्योरी लागू नहीं होती। इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, तभी हम इस विद्या को सही दिशा में समझ पाएंगे। अच्छे घर का मालिक अच्छी जगह तो अच्छा फल, अच्छे घर का मालिक बुरी जगह तो बुरा फल, बुरे घर का मालिक सदैव बुरा फल देता है जब तक उस पर कोई थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती। फाइनली बात करता हूं दोस्तों, आज जाते जाते आपने कई प्रॉब्लम्स हमारे पास लोग लेकर आते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चे जी पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ते हैं तो इनका ध्यान नहीं लगता, रात को याद करके जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ आधी चीज़ें भूल जाते हैं या वो प्रॉपर लिख नहीं पाते। अक्सर ये प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की बच्चों के साथ आती है कि जी पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन नंबर नहीं आ पाते। तो इसके लिए एक टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, आज का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर गृहिणी के काम आने वाला है, जब भी बच्चा आपका पढ़ाई करने बैठे, सदैव उसका फेस, उसका चेहरा जो है वो ईस्ट की दिशा में चाहिए, जहां से सूर्य की पहली किरणें आती हैं। आप सुबह 7-8-9 बजे तक देख लीजिएगा, जिस दिशा से सूर्य की पहली किरणें आती हों वो ईस्ट दिशा गिनी जाती है, उस दिशा में चेहरा होना चाहिए, उससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि हमारे आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन जो 5 सेंसेस हैं वो इसी दिशा से लाइट आती है और इसी दिशा में वो एक्टिवेशन में आते हैं, इससे नॉर्मल में रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके साथ और चीज जोड़ लीजिए, अगर आप पाठ भी करते हैं, अगर सही ईस्ट की दिशा में फेस करके करते हैं तो पाठ नॉर्मल से आपको ज्यादा अच्छा फल देता है, पूर्णता फल देने की काबिलियत रखता है। और गणपति जी का नाम किसी भी पाठ से पहले लेना मत भूलिएगा, जो भी पाठ कीजिएगा चढ़ते सूर्य की तरफ, चाहे आप रात को शनिदेव का ही पाठ क्यों ना करें, लेकिन आपका चेहरा सदैव चढ़ते सूर्य की तरफ होना चाहिए, तो बच्चों की कंसंट्रेशन में भी इसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इसमें आपके पाठ का किए का पूर्ण आपको फल मिलेगा। और अंत में एक फाइनल चीज और कहना चाहूंगा कि हर ग्रह का दान करना या पाठ करना जरूरी नहीं है, लेकिन नमन करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज के आगे नमन कर सकते हैं, वो कभी अशुभ नहीं होता। अक्सर एक वहम डाला जाता है कि लेडीज जो है वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। अरे बेवकूफ आदमी, बजरंगबली ने छाती चीर के दिखा दी थी, रामचंद्र जी और सीता जी साक्षात उनके हृदय में वास करते थे। ये गलतफहमियां आप दिमाग से निकाल दीजिए। पाठ कोई भी जना कभी भी कहीं भी कर सकता है, उसका कभी भी कोई भी अशुभ फल नहीं होता, वो सदैव आपके लिए आपका सपोर्टिव पिलर है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात नोट कर लीजिए, केंद्र अच्छा या बुरा दोनों चीजें हो सकता है, त्रिकोण भी अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, जब तक कुंडली में आपको उसकी प्लेसमेंट नहीं पता कि त्रिकोण का स्वामी गया कहां। ये गलतफहमियां दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर लगन सदा अच्छा होता तो कभी बंदे को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। अगर नवम भाव का लॉर्ड सदा अच्छा होता तो हर इंसान के ऊपर सदैव पिता का साया बना रहता और कोई भी इंसान इस दुनिया में नास्तिक नहीं होता। अगर पंचम भाव सदा अच्छा होता तो कभी किसी को संतान की प्रॉब्लम नहीं आती। ये अच्छे नहीं होते क्योंकि इनकी प्लेसमेंट्स डिसाइड करती हैं ये कितने अच्छे या कितने बुरे। दर्शकों, इन चीजों को नोट कर लीजिए, केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9, त्रिक 6, 8, 12, उपाच्य 3, 6 और 11। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव सदैव आप पर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव।